अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड। मैं हूँ दरक्षा शेब और आज है रेसिपी कोरियन चिकन विंग्स की। प्लीज़ रेसिपी को एंड तक फॉलो करिएगा मज़ेदार कोरियन विंग्स के लिए। सबसे पहले मैंने लिया है 1 kg विंग्स और इसको बीच में से कट कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर 1/2 कप, ¼ कप ऑल पर्पज फ्लोर, ½ टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और एंड में डाल रही हूँ 1 egg। सब चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अंडा, मैदा, कॉर्नफ्लोर सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए ताकि एक जैसा जायका आए। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मसाला लग चुका है। इसको 1/2 hour के लिए रख देंगे फ्रिज में मैरिनेशन के लिए। 1/2 hour के बाद मैंने एक बड़े पैन में ऑयल लिया है। डीप फ्राई करना है चिकन मीडियम फ्लेम पे। सबसे पहले ऑयल को चेक करने के लिए मैं इसमें 1 wings 1/2 डिप कर रही हूँ। अगर इसमें जैसे बबल आने लगे तो इसका मतलब है रेडी है ऑयल। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना, बहुत हल्का भी गर्म नहीं करना। एक एक करके अलग अलग थोड़े थोड़े फासले से सारे विंग्स डालें और सबको डीप फ्राई करना है 10 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद साइड चेंज कर देनी है, दूसरी साइड से फिर सेकना है। ये देखें 10 मिनट के बाद कितना अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। 10 मिनट फ्राई होने के बाद इसको निकाल लेंगे और 10 मिनट के ही लिए इसको ठंडा होने रख देंगे। 1/2 करके आप चिकन फ्राई कर लिएगा, एक साथ सारी नहीं हो सकेंगी। अब अगेन मैं इसको 10 मिनट के लिए दोबारा फ्राई करने के लिए रख रही हूँ ताकि ये ऊपर से बहुत अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए जब तक इसका गोल्डन कलर आ जाएगा। मीडियम फ्लेम में हमको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ वो ना हो ऑयल। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि अंदर तक से अच्छी तरह से गल जाए और ऊपर से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और क्रिस्पी हो जाए। विंग्स को 2 बार फ्राई करने से अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाते हैं, ये इसका एक अहम पॉइंट है। ये देखें विंग्स कितना अच्छा सा कलर आ गया है, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी हो गए गोल्डन कलर के। ये बिल्कुल रेडी हैं, हम इसको अब निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसकी सॉस की तैयारी करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको टेस्टी क्राफ्टी की टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ मिलती रहें। कोरियन विंग्स का सॉस बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 2 tablespoons ऑयल लेना है। उसके बाद इसमें ऐड करना है 1 teaspoon चॉप्ड गार्लिक। 3 से 4 गार्लिक लेकर उसको चॉप कर लिएगा और मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है 2 मिनट्स। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये कोरियन चिकन विंग्स, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला जायका आता है।
जब गार्लिक अच्छा सा थोड़ा सा फ्राई हो जाए, थोड़ा कलर इसका चेंज हो जाए, तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप केचप। और मिक्स कर देंगे गार्लिक में। थर्ड इसमें ऐड होगा हनी 1/3 कप। हनी की जगह आप कॉर्न सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मीडियम फ्लेम रखनी है आपको, बहुत हाई फ्लेम नहीं करना। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हॉट सॉस। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का हॉट सॉस यूज़ कर सकते हैं। इसको भी इसी तरह से मिक्स कर देना है। हर इंग्रेडिएंट्स आने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि फ्लेवर सेम आए सब जगह। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून विनीगर। सबको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए। चमचे चलाते जाने हैं हल्के हल्के ताकि हमारा सॉस लगे ना। फ्लेम को मीडियम ही रखना है। ये हमारी सॉस रेडी है। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपने फ्राइड विंग्स। सॉस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है चिकन फ्राइड विंग्स को। जितना अच्छा आप मिक्स करेंगे इतनी अच्छा इसका फ्लेवर आएगा, बिल्कुल एक जैसा आएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये हमारा रेडी है। इसके बाद एक और इंग्रेडिएंट्स है, वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बहुत खूबसूरत सा रेड कलर आ जाता है इसमें। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया है इसमें। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है, पूरा अच्छी तरह से कोड हो जाना चाहिए सॉस। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सफ़ेद तिल, सेसमे सीड से कहते हैं, 1/2 टीस्पून ऐड कर दें आप इसमें, ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद नहीं है तो नहीं ऐड करिएगा। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो लास्ट में ये कुटी मिर्च भी डाल सकते हैं, इससे और ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। ये बिल्कुल रेडी है हमारे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आप ये किसी भी सॉस या केचप के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और प्लीज़ जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको टेस्टी क्राफ्टी की टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।